हमें यह देखना है और मुझे यह देखना है कि मैं क्या वो उस चिड़िया की तरह आग तो शायद मैं नहीं बुझा सकता, आग शायद मैं नहीं बुझा सकता इब्राहिम अलैहिस्सलाम, लेकिन शायद वो नन्ही सी चोंच का एक पानी का कतरा, दैट लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर, वो मुझसे अगर अल्लाह पूछेगा अगर किसी दिन कि ये तो जन्नत में है तू बता तूने क्या किया, तो शायद आज के इस ऐवान में मेरे अमीर मोहतरम प्रोफेसर साजिद मीर हफीजाउल्लाह की जमात और मुवाहिदीन की इस जमात के सामने अगर दिल से निकला हुआ एक जुमला भी बगैर रियाकारी की उस सच्चाई के उन भाइयों के लिए था जिन्हें जला जला के काटा जा रहा है इस टाइम पर, शायद उस चिड़िया की तरह मैं भी जहन्नम की आग से बच जाऊं। अल्लाह ताला हमारी गैरत हमें मारते इससे पहले कि वो आंख इन आंखों को वो दिन देखना पड़े कि ये मस्जिद अक्सा ढा दे, मारते इससे पहले अल्लाह मुझे वो दिन ना दिखाए, वो रात ना दिखाए जिस दिन मैं ये देखूं कि इन्होंने सुलेमान टेंपल बना लिया उस टाइम पर उस मस्जिद के पर। इस आंख को वो अगला दिन नसीब ना हो, मैं दुआ करता हूं अल्लाह से कि मैं इसी दुनिया के अंदर मर जाऊं ये देखते हुए कि फलस्तीन के लोगों को अरबों को वहां से जलील करके निकाल दिया उन्होंने जिस तरीके से जुल्म ज्यादती किया उनके साथ। अल्लाह मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तुझसे इस ऐवान में बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे होंगे, बड़े बड़े मुवाहिद बैठे होंगे जिनकी तू जो मुस्तजाबुद्दावा तो अल्लाह मेरे सीने को और हमारे सीने को वो दिन दिखा जिस दिन सलाउद्दीन अयूबी के कब्र मुबारक के ऊपर लात मारी थी फ्रांसीसी मिनिस्टर ने, हम भी यूरोप की कब्रों के ऊपर उसी तरीके से लात मारें जिन्होंने मुसलमानों का खून काटा है, जिन्होंने मुसलमानों को काट काट के फेंका है। अल्लाह मुझे और हम सबको वो गैरत दिलाए कि काट काट के हमारे जिस्म से तौहीद का नारा लग रहा हो हमें काट दिया जाए, लेकिन हमारी मुकद्दसात का हिफाजत होनी चाहिए। और अल्लाह हमारे बड़ों को जिनके हाथ में ये ताकत है, जिनके हाथ में ये सुल्तान है, जिनको अल्लाह ने उलुल अमर का लकब दिया कुरान के अंदर कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, मैं खारजी नहीं हूं जो उलुल अमर और अपने हुकूमतों के खिलाफ बकवास करूं, मैं खादिम हूं अपनी कौम का भी, अपने मुल्क का भी और अपनी स्टेट का भी। मैं दुआ करता हूं अल्लाह तुझे मेरे बड़ों को अल्लाह ताला वो हिम्मत और हौसला और जोश दे कि जब कटने मरने की बारी आए हम भी अपने कुछ 50 पैसे डाल दें अपने खून के, कही सुनी बात में जो गलतियां थी वो सारी मेरी थी, जो कुछ थोड़ा बहुत हक बयान किया वो अल्लाह का था, अल्लाह की तरफ से था। अकूल कौली हाजा अस्तगफिरुल्लाह ली वल सारे मुस्लिमीन, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह ताला फलस्तीन को आज़ाद करे इन सहूनी ताकतों से। अस्सलामु अलैकुम।